पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 15 नवंबर को मुरादाबाद के रामलीला मैदान में कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचेंगी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गुरु मंत्र देंगी, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। तो वहीं 12 जनपदों का पदाधिकारी सम्मेलन में सभी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए उचित व्यवस्था करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने 12 ब्लॉक बनाए हैं, जिसमें सभी जनपदों के पदाधिकारी बैठेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगी और निश्चित ही 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। पूरी तैयारी लगभग पूरी होने जा रही है बहुत जल्दी, और सुबह इंशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। 12 जनपदों का ये प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी कल माननीय अजय कुमार लल्लू जी आ चुके हैं, कल आए थे, फिर आ रहे हैं दोबारा से, और सारी निरीक्षण हो चुका है। यहाँ 12 ज़िले के केवल पदाधिकारी रहेंगे, जो न्याय पंचायत पदाधिकारी, जो हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो ज़िला और शहर कांग्रेस कमेटी है दोनों, और जो वार्ड कमेटी हैं, वो वार्ड कमेटी नहीं रहेगी, वार्ड अध्यक्ष रहेंगे। सारे 12 जनपदों के ये लोग रहेंगे, और उनसे प्रियंका जी, हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो उन्हें संबोधित करेंगी। और ये एक अलग तरीके का कार्यक्रम है, अलग तरीके का, ये इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है कि कोई आम जनसभा हो या कुछ हो। ये कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता हमारे साथ लगे थे, जिन कार्यकर्ताओं को हमने ग्राम अध्यक्ष बनाया है, जो बिल्कुल नए लोग हैं, वो उनसे प्रेरणा लेंगे और वो दिशा निर्देश देंगी। वो कल यहाँ आ रहे हैं, हमारे साले जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मेलन है, और निश्चित रूप से जो है काफ़ी दूर दूर से लोग और मुरादाबाद के आसपास के जनपद के लोग यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं वहाँ आ रहे हैं, और वो आगे की जो भी चुनाव रणनीति है उस पर मंथन करेंगी, हम लोग को निर्देश देंगी कि आगे का चुनाव कैसे लड़ा जाए और बूथों पे कैसे जाया जाए, लोगों को अपनी सारी चीज़ें कैसे पहुंचाए जाएँ, कांग्रेस की जो नीति हैं उसके बारे में जन जन डोर टू डोर हम लोग जाएंगे और कांग्रेस की नीतियों को समझाएंगे कि जो भी इतनी महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी है और सारी चीज़ें के बारे में, जिसमें कि हमारी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, GDP हमारी जो है इतनी लो आ गई है, कम हो गई है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को खाने के लिए जो एक तेल होता है, जो खाद्य पदार्थ है, वो तक 200 रुपए लीटर हो गया है, पेट्रोल डीजल की बढ़ने से सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो जो एक बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जो लोगों को, हर एक को सरकार को देनी चाहिए, वो बुनियादी सुविधाएं जब इतनी महंगी हो जाएंगी तो लोग कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब बच्चे सारा कुछ खाने में, गैस में, इसमें ही खर्च हो जाएगा, तो बच्चों की फ़ीस कहाँ से जमा करेंगे, जब बच्चों की फ़ीस जमा नहीं कर पाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। हमारे लोग जो भी, आपको पता है कि 23 करोड़ लोग इस सरकार में BPL के नीचे आ चुके हैं, 23 करोड़ लोग जो है जो बिलो पावर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं, अब वो कैसी अपनी जिंदगी चला पाएंगे, इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।